तो दोस्तों, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं सोलर पैनल में। उसे कब का हो गया मोनोपर्क, मोनो बाईफेसियल, पॉली बाईफेसियल और हेट्रोजक्शन सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स और ऐसे कई सारे हमारे आ गए हैं, हाफ कट मोनो, हाफ कट पॉली सोलर मॉड्यूल्स। तो उनका फ़ायदा क्या है, मैं बात करने वाला हूँ हाफ कट जो होते हैं सोलर मॉड्यूल्स। देखिए, इसे कहते हैं सोलर मॉड्यूल, ठीक है। इसे आमतौर पर सोलर पैनल भी बोल देते हैं, तो आप उसमें न करिएगा। ये हम बात, अगर हम सोलर पैनल कहें या मॉड्यूल कहें तो आप इसे समझिएगा। तो एक्चुअली होता क्या है सोलर पैनल कि जब एक से एक ज़्यादा होते हैं हमारे मॉड्यूल लगे होते हैं, कनेक्शन करे होते हैं सीरीज या पैरेलल में, तो होते हैं हमारे पैनल, आपके सोलर पैनल। जैसे ये लगा हुआ, ये सोलर पैनल है। तो ये हम बात करें तो ये हमारा जो है पॉलीक्रिस्टलाइन का है, सिंपल है ये सोलर का पैनल, 310 वाट का है। और अभी ये जो करंट हमें दे रहा है, ये हमारी बैटरी लगी है। एक्चुअली ये 37 वोल्ट का है सोलर मॉड्यूल, मतलब इसका यूज करते हैं हम 24 वोल्ट के लिए। जो 18 वोल्ट के होते हैं मॉड्यूल, उन्हें हम 12 वोल्ट के लिए यूज करते हैं। और जो 36 के होते हैं या 30 वोल्ट के होते हैं मॉड्यूल हमारे, मतलब आपके 60 सेल या 72 सेल के होते हैं, उनको यूज करते हैं 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अभी देखिए हमारा करंट जो आ रहा है वो आ रहा है 3.4 एम्पीयर करंट हमें मिल रहा है। और समय हमारा हो गया है 2:30 बज रहा है, मतलब सन थोड़ा सा लो हो गया है और आपकी सर्दियों का समय है, तो इंटेंसिटी कम है और आसपास हरियाली ज़्यादा है ना, इसलिए तो उस पर आपको रेडिएशन कम मिल रहा है, इसलिए करंट अभी ये कम दे रहा है। मतलब हमें करीब 95 वाट की पावर मिल रही है 310 वाट के सोलर मॉड्यूल से। तो अब होता क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों हाफ कट सोलर सेल बेहतर होते हैं। अच्छा, देखिए आपकी छत पर कम जगह है और आपके आगे ना एक छज्जा है, आपके पास वो दीवारी नहीं होती, थोड़ा सा ऊंचाई सी बनी होती है बाउंड्री। तो होता क्या है, सुबह और शाम के टाइम में आपके छत पे नीचे की तरफ ना छाया पड़ती है। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये मान लीजिए आपके पास गमला है एक, उसकी पत्ती है, ठीक है, या फिर आपका छज्जा था, यहाँ पे आपका वो था बाउंड्री थी, तो उसकी छाया नीचे की तरफ पड़ने लगी, कुछ सेल पे, एक दो सेल पे नीचे की तरफ, कम जगह थी लगानी पड़ी। तो अब क्या होगा, जो नॉर्मल हमारे सोलर मॉड्यूल हैं जिसमें सारे आपके, इसमें 72 सेल हैं सारे सीरीज में हैं, तो जब एक पे छाया पड़ी, मान लीजिए हमारी छाया, ये हमारा गमला है और ये हमारी छाया पड़नी शुरू हुई, तो छाया पड़ने से क्या होगा, आप देखोगे ना, लोगों को थोड़ा अवेयर कम होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई एक पैनल पे पड़ गया, एक सेल पे पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी तो पड़ रहा है। जैसे ये देखिए आप, यहाँ भी छाया पड़ रही है, ये छाया पड़ रही है इसकी, ठीक है ना, ये आपकी सजावट लगी हुई है लैंटर्न का। तो अब क्या होता है, करंट आपकी घट जाती है, आप देखो करंट कितना हो गया आपका, ये करंट दिखाना। तो मैंने बस इतना ही छाया किया हुआ है और थोड़ा वो पड़ रहा है, तो करंट कितना हो गया आपका, आप देख पा रहे हो, पहले 3.4 था, अभी कितना करंट हो गया हमारा, 2.24, बहुत कम हो गया। मतलब हम माने तो एक एम्पीयर करंट कम हो गया हमारा, एक एम्पीयर करंट कम हुआ, मतलब हमारा करीब करीब 35 वाट का हमारा लॉस हो गया, हो गया ना। और ये पूरे दिन चलेगा, पूरे शाम को जितने घंटे रहेगी। तो क्या करना है हमें, तो अब क्या होता है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, आप देखेंगे तो करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें करना क्या होता है हमें, तो इसलिए हमारे क्या आ गए हैं आजकल हाफ कट सोलर पैनल आ गए हैं। उसमें होता क्या है, उसमें 72 की जगह 72 के दो सेल होते हैं, मतलब कुल आपके कितने हो जाएंगे, 144 सेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है हाफ कट, मतलब क्या करिए आप, इसमें हर सेल को आधा आधा आप काट दीजिए, ठीक है ना, आधा काट दिया आपने, 72 को आपने इसके ऊपर लगा दिया सीरीज में, इसके आधे पे 72 को, और 72 को इसके नीचे लगा दिया। तो उसमें क्या होगा, ये 72 सीरीज में अलग, ये 72 सीरीज में अलग। तो होता क्या है सीरीज में, कि अगर एक सेल पे छाया पड़ेगी तो करंट कम होगा ना, तो पूरा जितने भी आपके सीरीज में है ना, सबके करंट कम हो जाते हैं। ये एक नुकसान है सीरीज में जो आपने पढ़ा होगा। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए जो आपका नीचे का सिरा है पैनल का, उस पर छाया पड़ती है, तो सिर्फ यही 72 सेल की पावर कम होगा, जो ऊपर हैं हमारे 72 आपके सोलर सेल्स और जो जुड़े हुए हैं उनकी पावर में कोई कमी नहीं आएगी। तो आपको क्या होगा, आपको ओवरऑल पावर अच्छी मिल जाएगी, ये बेहतर है। वहाँ कहाँ कहाँ के लिए बेहतर है, जहाँ पे कम जगह है, आगे कुछ मतलब है, रुकावट है छाया पड़ने का। तो ये फ़ायदा है हमारा हाफ कट से। तो हाफ कट वहाँ के लिए बेहतर है जहाँ कम जगह है, इसके आगे रुकावटें हैं, सुबह और शाम को छाया पड़ सकती है किसी एक हिस्से में, चाहे ऊपर पड़े चाहे नीचे पड़े, तो जिस तरफ पड़ेगी सिर्फ उतने के ही सेलों की पावर कम होगी, आपका एक हिस्सा अच्छा काम करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये 310 वाट का है, तो क्या करना है हमें, आपका 155 वाट का इधर हो जाएगा, हाफ हाफ में अलग सीरीज में जुड़ जाएंगे आपके 72 सेल, और 155 वाट के यहाँ जुड़ जाएंगे। तो मान लीजिए छाया पड़ रही है अगर यहाँ पे, तो सिर्फ आधे हिस्से का ही आउटपुट कम होगा
और आपको आधे से अच्छा मिल जाएगा। तो ये है आपका हाफ कट जो होते हैं, हाफ कट मोनो में भी आते हैं, हाफ कट पॉली में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगह है तो प्लीज़ आप लोग जो है हाफ़ कट को प्रीफर करिए। अगर सही जगह है, कोई मतलब छाया नहीं पड़नी है, तो आप सिंपल नॉर्मल पे ही जा सकते हैं, मोनो या पॉली पे, ठीक है दोस्तों। तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक छाया पड़ रही, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल पार्शियल छाया है, एक दो सेल पे पड़ रही है। और ये क्यों पड़ रही है, क्योंकि सजावट आगे हमने कर रखी है, ये लैंटर्न है, इसकी छाया पड़ रही है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये लाइट की सजावट होती है। अब देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ कितना करंट आ रहा है इस टाइम, इस शैडो की वजह से कितना करंट हो रहा है हमारा, वो है 1.60 एम्पियर हमें करंट मिल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा खिसकाने वाला हूँ, खिसका के देखते हैं कितना करंट हो जाएगा। अभी इस छाया को हमको हटाना है, देखिए मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ये हट गया, हट गया। आप करंट चेक करिए, करंट दिख रहा है आप लोगों को, अब करंट आपका हो गया है 3 एम्पियर, देख रहे हैं आप लोग, 2.923 एम्पियर तक करंट हमारा हो गया है, ठीक है। तो यही अगर आपका होता हाफ कट सोलर मॉड्यूल तो इतना अंतर नहीं होता, बहुत थोड़ा अंतर होता, ठीक है। तो ये है आपका हाफ कट का, ठीक है, जिस तरफ शैडो पड़ रही है उधर का ही पावर कम होगा, हाफ साइड जो है अलग है वो पूरा सेफ रहेगा, पूरा काम करेगा।